देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। ये देख सकते हैं तरोई है जो ताजी मिलती है मार्केट में, अभी मिल रही है। तो यहाँ दो टमाटर है और देख सकते हैं तरोई है। यहाँ पर थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैं दो भागों में कट कर लिए हूँ। अब इसको चलिए छीलते हैं। तो तरोई के क्या बनाना है, सब्जी खा के अगर बोर हो गए हैं तो चोखा बना के आप खा सकते हैं। इसकी चोखा किस तरीके से बनाना है वो चलिए आप लोग को बतलाती हूँ। तो चलिए आगे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जरूर। तो चलिए छीलते हैं इसको, पहले सबसे पहले छील लेना है उसके बाद दिखलाते। तो सबसे पहले आप तरोई को इस तरीके से आप छील लें, कोई ज़्यादा कोई झंझट कोई मेहनत नहीं, इस तरीके से तरोई को आप छील लें। इतनी टेस्टी लगती है ना, एक रोटी नहीं चार चार रोटियां अगर खाएंगे ये तरोई के चोखा अगर बनाते हैं तो। सब्जी तो आप लोग बहुत बार खाए होंगे और खा भी रहे होंगे, तो इस तरीके से आप एकदम इजली चोखा बना सकते हैं और दे सकते हैं और खा सकते हैं और खिला सकते हैं। बच्चे नहीं खाते हैं तो बच्चे भी एकदम मांग मांग करके खाएंगे। तो इस तरीके से आपको छील लेना है तरोई को। तो इस तरीके से छील लेना है और इस तरीके से बीच बीच में कट कर देना है, देख सकते हैं, क्योंकि ये तो तरोई जो है वो पानी अपने आप ही छोड़ देगी, तो इसको ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करना है। और उसके बाद आपको इस तरीके से कुकर लेना है और इस तरीके से आपको सारा चीज़ आपको डाल देना है। इस तरीके से लहसुन भी डालना है ताकि आपकी जो इसमें पानी छोड़ेगी, ताकि आपकी चोखा जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बने। और इस तरीके से पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी ही छोड़ेगी ही, तो इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाल दूँगी क्योंकि नमक डालने से पानी ही छोड़ देगी, ज़्यादा नहीं हल्की सी आप इस तरीके से डाल दें। और डालने के बाद आप दो सीटी एकदम इजली लगा दें इस तरीके से, इस तरीके। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी जो तरुई है वो देख सकते हैं कितने सारे पानी छोड़ चुके हैं और इसको निकाल ले रही हूँ। आप चम्मच से निकाल लें या और किसी चीज़ से निकाल लें, पर निकाल लें इस तरीके से। पानी नहीं भी डाले थे उसके बाद भी देख सकते हैं पानी छोड़ दी है तरुई इसमें। तो इसमें आप एक प्याज डाल दें काट के, छोटी बड़ी आपकी जितनी इच्छा है उतना डाल दें। थोड़ी सी नींबू का रस, थोड़ी सी काला नमक, एक पकी हुई मिर्चा लाल, इस तरीके, क्योंकि इसको डालने से सोनापन आ जाता है तो आप मिर्चा पका के जरूर डालें। थोड़ी सी तेल, डालने के बाद आप इसको इस तरीके से मिक्सते देख सकते हैं इसमें पानी, या तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, आपके पास मेसर है तो उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी चोखा, तो आप इस तरीके से चोखा और भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि जब थोड़ी सी खट्टी मीठी लगती है, खट्टी लगती है तो चोखा हो या चटनी हो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ आप एक नहीं चार चार रोटियां खाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है ये चोखा। इस तरीके से आप मिला लें, देख सकते हैं मिल गई है। तो कैसा लगा तरोई का चोखा जरूर बताइएगा आप लोग एक बार, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कैसा लगा देख सकते हैं चोखा, तरोई का चोखा बहुत ही टेस्टी लगती है, एक नहीं चार चार रोटियां खाएंगे अगर आप एक बार खा लिए तो। एक बार इस तरीके से मेरे तरीके से आप बना लेते हैं तरोई का चोखा तो इसकी सब्जी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको पास। आप बार बार इसी तरीके के चोखा बना करके आप खाएंगे और ये सभी के लिए फायदेमंद है।